नमस्कार दोस्तों, बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बिहार के मुगलसराय से पटना जा रही ट्रेन के 4 डिब्बे अचानक से पटरी से उतर जाती है, जिसके बाद ये बड़ी दुर्घटना हो जाती है। यहां तक कि बक्सर कोलकाता रेल लाइन पूरी तरह से ठप हो जाता है। आखिर इतनी बड़ी रेल दुर्घटना कहाँ पर हुई, कैसे हुई? आखिर रेल प्रशासन बार बार हो रहे रेल दुर्घटना को रोकने में असफल साबित क्यों हो रही है? क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर विस्तार से। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के बक्सर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें, पटना की ओर जा रही मालगाड़ी ट्रेन के 4 डिब्बे अचानक से बेपटरी हो जाती है। मालगाड़ी मुगलसराय से पटना की ओर जा रही थी। घटना के बाद से रेल प्रशासन में हड़कंप का माहौल बन जाता है। यहां तक कि डुमराव स्टेशन के पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के पास ये घटना हुई है, जिसके बाद ट्रेन के डाउन लाइन पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी डुमराव स्टेशन पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और ये हादसा 11 बजे के करीब हुई है। सुबह सुबह पटरी के ट्रैक से उतरने के बाद बहुत तेज आवाज आई से आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दे दी। आखिर ट्रेन पटरी से कैसे उतरी, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। रेलवे टीम के जांच के बाद ही पता चल पाया कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई है। कई ट्रेनों को जहां तहां रोक दिया गया है। इसके साथ ही ट्रेन के आउटर पर ऐसे बेपटरी होने से सड़क मार्ग पर भी जाम लग चुका है। यहां तक कि डुमराव से भोजपुरी की ओर जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ट्रेन के पहिए पूरी तरह से पटरी से उतर कर गिट्टी में जाल फंसे हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की जाल माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि मुगलसराय से पटना जा रही मालगाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। अच्छी बात ये रही कि हादसे के दौरान कोई व्यक्तियों की जान नहीं जाती है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।